सो गाइस, आज की इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले डाटा ट्रांसफर के बारे में। अगर गाइस आप लोग एक फोन से दूसरे फोन के अंदर यहाँ पे डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। अगर आप लोगों ने भी यहाँ पे न्यू फोन को परचेस किया और आप लोग ओल्ड फोन का जितना भी डाटा है उसको न्यू फोन के अंदर भेजना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो कैसे भेज पाओगे, कैसे ट्रांसफर कर पाओगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चैनल पर पहली वाले हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे आप लोग यहाँ पे ओल्ड फोन का जितना भी डाटा है उसको आप लोग न्यू फोन के अंदर भेज पाओगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, सब कुछ कैसे आप लोग एक क्लिक के अंदर दूसरे फोन के अंदर भेज पाओगे। तो कैसे भेजना है, क्या कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो कैसे आप लोग वीडियो को पूरा देखना और जो स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से फॉलो करना। सबसे पहले कैसे आप लोग क्या करना है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर ओपन करना है। दोनों फोन के अंदर क्या करो, प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लो। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है इजी शेयर। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे लिखना है इजी शेयर। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे इजी शेयर तो गाइस आप लोग के फोन के अंदर यहाँ पे इजी शेयर आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपके फोन के अंदर यहाँ पे इजी शेयर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, अपने दोनों फोन के अंदर इजी शेयर नाम का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस फोन के अंदर यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, इस फोन के अंदर यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपके फोन के अंदर भी इजी शेयर होगा पहले से तो आप अगर आपको अपडेट मांग रहा होगा तो आपको अपडेट दे देना है पहले, उसके बाद कैसे आपको जो स्टेप बता रहा उसको ध्यान से देखे, ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि ये देखो कोई भी अपडेट रहेगा तो अपडेट हो जाएगा, कोई भी ग्लिच आपको कोई भी इरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप लोग सबसे पहले डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद दोनों फोन के अंदर ये एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखो मिलेगा जो कल में देख पा रहे हो, और फर्स्ट टाइम अगर ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको एग्री वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, जो कल में देख सकते हो। इसके बाद कैसे वो करना है, क्या आप लोग को फाइल ट्रांसफर करना है, वो ओनली फाइल, तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग पूरा फोन को इस फोन के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो करना है नीचे जो आपको फोन क्लोन का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करो। ठीक है, और इस फोन के अंदर भी क्लिक कर दो। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके फोन के अंदर कुछ स्टेप से इंटरफेस देखो मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिवाइस, मतलब आपका फोन के अंदर जो ओल्ड डिवाइस है वो और न्यू डिवाइस आपको दोनों देखो मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू फोन के अंदर न्यू डिवाइस पर क्लिक कर देना और ओल्ड फोन के अंदर ओल्ड डिवाइस पर क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पे सेट का ऑप्शन मिला है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, उसका जो भी परमिशन मांग रहा है आपको परमिशन देना है, उसका देखो बैक आना है ओल्ड फोन के अंदर। ठीक है, फिर बैक सेट दो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले में परमिशन मांग रहा है तो भाई जितना भी परमिशन मांग रहा है आपको सारा परमिशन यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर परमिशन दोगे तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने परमिशन दे दिया, फिर ओल्ड फोन में मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे लोकेशन भी ऑन करने के लिए बोल रहा है तो लोकेशन भी मैं ऑलो कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आप लोग ऑलो करके कुछ इस टाइप से आपके फोन के अंदर इंटरफेस देखो मिल जाएगा जो कि उसमें देख पा रहे हो। उसके बाद आप लोग को जो न्यू फोन होगा आपके पास, ठीक है, आईफोन होगा या फिर एंड्रॉइड होगा, जो भी होगा आप लोग उस पर क्लिक करना। तो मेरा एंड्रॉइड है तो मैं एंड्रॉइड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके फोन के अंदर कुछ टाइप से बैक कैमरा ओपन होगा, स्कैन करने के लिए बोलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इस फोन को यहाँ पे स्कैन कर लेना ये क्यूआर कोड को। ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसे यहाँ पे इसको मैं स्कैन करूँगा, ठीक है, तो कुछ स्टेप से ये स्कैन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग इसमें देखो यहाँ पे ये कनेक्टिंग लेना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे गेट का ऑप्शन मिल चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, फिर अलाउ कर देता हूँ, सारा परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे स्कैन जितना भी मेरे फोन के अंदर इस फोन के अंदर डाटा है ये सारा यहाँ पे स्कैनिंग करना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखो पूरा जो डाटा है मेरा 20 GB का है। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट जो नंबर है, कॉलिंग का मैसेज, ठीक है, इवेंट, इमेज, म्यूजिक, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जितना भी कुछ है सब कुछ यहाँ पे सब कुछ मिला करके मेरा होता है 20 GB। ठीक है, आपको जो भी चीज़ लेना है, जो भी चीज़ छोड़ना है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, अनटिक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन लेना है तो उसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारा एप्लीकेशन भी खुल जाएगा जो कि आप उसमें देख पा रहे हो। ठीक है, तो जो जो एप्लीकेशन आप लोग को लेना होगा वो आप लोग यहाँ पे टिक कर लेना। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सारा एप्लीकेशन को भी अब अनटिक कर लेता हूँ क्योंकि दोनों मैंने ऑलरेडी पहले से ट्रांसफर यहाँ पे करके रखा है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ इसको इस टाइप से। ठीक है, आपको जो जो चीज़ लेना होगा लेना, मैं एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, कोई एप्लीकेशन इससे मैं इस फोन के अंदर ट्रांसफर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा एप्लीकेशन मिल जाता है ऑलरेडी देखने को। तो मान के चलो मेरे को VLC लेना होगा, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, और एक एप्लीकेशन है जा रहा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे परमिशन मांगा, फिंगरप्रिंट लॉक जो भी होगा आपको दे देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्टार्ट क्लोन पे क्लिक करना है। जैसे करोगे आपके फोन के अंदर से जो डाटा है इस फोन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आप उसी में देख पा रहे हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, एक फोन से दूसरे फोन के अंदर डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। न्यू फोन लियो तो गाइस ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% मस्त तरीका है गाइस, इसको
यूज करके आप लोग एक सेकंड के अंदर क्या कर सकते हो, इस फोन का जितना भी डाटा है इसको इस फोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि अपने न्यू फोन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, और कमेंट बताना कि आप लोग न्यू फोन लिए फिर ओल्ड फोन के अंदर ही डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसे बता देना। ठीक है, बाकी चलो गाइस मिलते हैं और वीडियो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, फोन दे।